तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ कि अगर आपने सेम डे कंपनी ज्वाइन करी और सेम डे आप छोड़ना चाहते हो तो उस केस में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्या बेनिफिट हो सकते हैं, क्या आपको दिक्कत आ सकती है फ्यूचर में, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सेम डे इन द सेंस कि आपने कोई कंपनी एक्स वाई जेड ज्वाइन करी कल और इसके बाद में आपको क्या लग रहा है हमें कल ही छोड़ना है, बट आपकी ज्वाइनिंग तो हो गई, आपका ज्वाइनिंग लेटर भी आ चुका है, ऑफर लेटर आ चुका है, तो उस केस में आपको क्या प्रॉब्लम होने वाली है। तो देखो सबसे पहले क्या कि आप जैसे ही कंपनी को ज्वाइन करते हो आपका नोटिस पीरियड आ जाता है। जैसे ही आपने ऑन पेपर साइन किया ऑफर लेटर एक्सेप्ट करने के बाद, जैसे ही आपने फिजिकली ज्वाइनिंग लेटर वहाँ पे एक्सेप्ट किया कंपनी में जाने के बाद या रिमोटली आपका ज्वाइनिंग लेटर एक्सेप्ट किया जितनी उसमें डेट पड़ी होती है, इसका मतलब कंपनी के जितने भी रूल्स एंड पॉलिसीज रेगुलेशन वगैरह हैं सारा कुछ आप पे आ गया। मतलब आपको नोटिस पीरियड हो गया, आपका कोई भी वेरिफिकेशन हो गया, कुछ भी हो गया, मतलब कंपनी जितने भी रूल्स हैं ना वो फर्स्ट डे से आप पे अप्लाई हो गए। तो अब उसी रूल्स में आपका आता है नोटिस पीरियड का। तो जैसे आपने ज्वाइन किया आपका नोटिस पीरियड आ गया, अब वो हो सकता है 1 महीने 2 महीने 3 महीने का नोटिस पीरियड हो, वट एवर टाइम, एंड इसके बाद आपका पीएफ क्रिएट हो जाता है। मेन इंपॉर्टेंट पार्ट, एक दिन में भी कंपनीज पीएफ क्रिएट कर सकती हैं, एंड आपको कंपनी अगर डायरेक्ट छोड़ते हो तो हो सकता है कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो वहाँ पे सेम डे छोड़ने पे। तो ये 2-3 ऐसी प्रॉब्लम है जो आपको होने वाली है सेम डे पे। उस केस में अगर आप फिर भी छोड़ना चाहते हो तो उस केस में आपको करना क्या है, तो सबसे पहले कंपनी से बात करनी है कि हमें अभी मैं ज्वाइन नहीं कर सकता एंड या मैं कंटिन्यू नहीं कर सकता, मुझे लीव करना है, रिजाइन डालना। तो उस केस में अब वो कंपनी पे डिपेंड करता है कि कंपनी आपको ऑप्शन दे रही है नोटिस पीरियड बाय आउट करने का या नहीं, एंड इसके बाद आप कंपनी में अगर रुक रहे हो नोटिस पीरियड सर्व कर रहे हो तो नो डाउट आप इजीली निकल आओगे। एंड अगर आपको लगता है कि नहीं इससे दूसरे दिन से मुझे जाना ही नहीं है, तो आपके पास कुछ पॉइंट्स होने चाहिए। देखो कंपनी के पास अथॉरिटी है, वो लीगल एक्शन ले सकती है कोई भी कंपनी, बट वो जल्दी से लेते नहीं है, वो एक्सेप्शनल केस में मैं आपको बता रहा हूँ, बट उनके पास राइट्स होते हैं कि वो लीगल एक्शन ले सकते हैं। दूसरा, आपका जो पीएफ क्रिएटेड है उस पीएफ में डेट ऑफ एग्जिट पड़ा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डेट ऑफ एग्जिट नहीं होगा तो आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम होने वाली है सर्विस ओवरलैपिंग का। तो मेक श्योर आपके पीएफ में डेट ऑफ एग्जिट पड़ा होना चाहिए। एंड जो थर्ड पॉइंट इसमें आता है कि जब आपका एक दिन का सर्विस हिस्ट्री क्रिएट होता है, उस एक दिन के सर्विस हिस्ट्री में आपको नेक्स्ट कंपनी को जस्टिफिकेशन देना पड़ रहा है, क्योंकि अगर आपका एक बार पीएफ क्रिएट हो गया, आपका एक बार यूएन नंबर बन गया, तो वो सर्विस आपकी परमानेंट हो जाती है, उसको आप डिलीट नहीं करा सकते। तो उस केस में आपको नेक्स्ट कंपनी को जस्टिफिकेशन ये देना पड़ जाएगा कि आपने कंपनी क्यों ज्वाइन करी थी और क्यों इंस्टेंट छोड़ दी। तो बाकी मल्टीपल रीजन्स हो सकते हैं छोड़ने के, वो मैंने ऑलरेडी वीडियोज में बताया है, तो वो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा नाम है शुभम, मैं तो अपने वीडियो में टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।